चैनल स्वागत है आपका एक नए से वीडियो में। मैं हूं विक्रम और मैं गया था अभी मंगरौली एकादश महादेव। 11 शिवलिंग थे वहां पे, मधुबनी जिला के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है वो। अभी देखा होगा आपने वीडियो, ये बहुत ही अच्छा था वहां का। सब अलग अलग रूप में वहां पे पूजा होती है। वापस जा रहे हैं हम लोग अभी, अब घर जहाँ हम लोग गए थे वहाँ 11 रूप है शंकर जी के। 11 शिवलिंग थे, 11 रूप मतलब कह सकते हैं महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देव देवा, भवोद भावा, कपिलश्च, सबका अलग अलग है और सब पे अलग अलग आकृति बनते जा रही है। और पत्थर पे ग्रेनाइट के पत्थर से है, तो पहले तो मैं भी यही सोच रहा था वहाँ भी कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं तो इसलिए आकृति बनती जा रही है। बट जब पंडित जी ने दिखाया टॉर्च लगा कि जो देखो ये ऐसा है, तो जैसे कपिलश मैंने बोला अभी, तो उस पर बजरंग बली का फोटो बनते जा रहा है, उड़ रहे हैं लेके हाथ में लेके पर्वत लेके उड़ रहे हैं, इस टाइप का था। किसी छवि पे मतलब किसी पे छवि बन रहा है जिसकी स्थिति अभी मतलब मस्त नहीं भी थी। किसी पे केदारनाथ का मतलब एक तरह से है, ईशान जो है वहाँ पे, तो उस पर 5 मुखी शिवलिंग जैसे बन रहा है। तो किसी पे एक शिव भगवान का है, उस पे भगवान राम का जो है सो सिंहासन बन रहा है, ऐसा बोला उन्होंने। और कई सारे थे, जैसे नील लोहित पर गया, एक पे नील लोहित पे जो है उस पे ओम लिखा हुआ आ रहा है और एक सांप की आकृति भी बन रही है। एक पे श्री कृष्ण भगवान का मतलब बांसुरी बन रहा था और श्री कृष्ण भगवान का मुकुट जैसा भी बन रहा था। तो उसके साथ एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्राय, ओम नमः शिवाय, ओम एकादश रुद्राय। एकादश रुद्र कहला से 11 महादेव आएंगे। एक से देर ओम नमः शिवाय के जाप कला से 1 से जाप के फल हुई। अगर एक से बेर ओम नमः शिवाय ओम एकादश रुद्राय के जाप कला से 12 से जाप कर के फल। भेलै शिवलिंग, बीच में छे लाल, दुनू बगल छे पियर, ई भेलै जलधारी। जलधारी कहै छै अर्घा, पियरो के छे लालो के जलधारी। मुँह 5 टा निकलल छे, 1, 2,
तीन ई भेलै चारि एकटा एहि कातसँ देखाइए गौरी शंकर पंचमुखी शिवलिंग कनि माता ओंकार स्वरूप महादेव देखै छथि जटा कपार नाक मुँह वगैरह ओंकार स्वरूप महादेव ई भेलै महाकाल के गदा ई तीनू स्वरूप 2000 ईस्वी के 10 मई सँ 21 मई के बीच मे एहिमे प्रकट भेल ओहिसँ पहिले जेना ई कारी देखै छियै एनाहिए पहिले कारी छल 11 दिन के अंदर मे 22 साल पहिले ई तीनू रूप एहिमे प्रकट भेल ओकर बाद श्रावण के हजारों भक्त पूजन करैत रहे 21 दिन मे एहिमे कामाख्या माय के पूर्ण रूप प्रकट भेल हिनकर रूपो छै अर्धना शिव शक्ति जखन पूर्ण भेलखिन तकर 1.5 महीना के बाद ओहिठाम गर्भाशय मे गणेश जी प्रकट भेल देखियौ अंदर मे ई दोसर रूप शिव राम भेलखिन हे तऽ सिंहासन बनलनि हे राम के सिंहासन एहिमे देखियौ पहाड़ छै आ बजरंग बली पहाड़ लऽ कऽ उड़ै छथि पहाड़ो छै जतऽसँ उड़लखिन हे ओ जगहो छै आ बजरंग बली पहाड़ लऽ कऽ उड़ै ई लाल छै उम्हरसँ देखा ई देव के वह सूर्य रूप भेलखिन तऽ सूर्य उगलखिन हे छै ने से दूर लाल आ किरण फेंकै छथिन चारू कात से उदयो छै आ अस्तो छै पाछुओ सँ छै ने ओते दूर लाल आ किरण ओहिमे समा रहल ई भीम रूपमे भेलखिन भीम के ऊपर में ई गदा बनलै गदा आ ई डंटा धीरे धीरे बढ़ि रहल छै तऽ ई अहाँके धीमी गतिसँ बढ़ै छै डंटा कनि हमरा उम्हर आबत आ ई शिवलिंग बृहत रूप से विजय कामना ई शिवलिंग बृहत रूप में लाल भेल जा रहल छै लाल ई जेना नीचा मे कारी देखाइए अहो कात मे कारी छै एनाहिए पहिले कारी छल तऽ बाबा के मान्यता छै जे जखन ई पूरा लाल भऽ जेतै तऽ बनि जेतै पारस पारस कोनो पत्थर नहि होइ छै ग्रेनाइट पत्थर मे जहन शक्ति जागृत होइ छै वएह पूर्ण लाल भऽ जाइ छै सैह कहबबै छै पारस जे पशुपतिनाथ के मूल शिवलिंग ई नीलकंठ भेलखिन हे तऽ एहिठाम लाल पर नीला सँ ओम लिखाइ देखाइए एहि कात नाग नागिन साँप बनल छै एहिठाम नाग नागिन साँप ससाली एहिठाम सँ एतऽ तक छै आयल देखलियै ई कृष्ण रूपमे भेलखिन हे तऽ एहिठाम बाँसुरी बनलनि हे कृष्ण गीता के दशम अध्यायमे कृष्ण कहै छथिन जे रुद्रा नाम शंकरस्तासि एकादश रुद्रमे शंकर हम तऽ जखन हम वर्णन के तऽ नहि लगैए एहि ऊपरमे छै सुदर्शन चक्र ई सुदर्शन चक्र पूरा गोल छै ओहिठाम छै त्रिशूल आ रुदय एहि टॉर्च पर देखियौ ई दसमह पार्वती पति नीचा सँ जे लाल छै ओ एहिठाम तक एलै सङ्गे अतः सँ इम्हर अलग भऽ गेलै एहिठाम सँ इम्हर अलग शिवलिंग बनि गेलै मतलब पूजा पाठ के बाद हम लोग खाना खाने के लिए आ गए। हम लोगों ने ऑर्डर किया है रोटी और पनीर ऑर्डर किया था, पनीर बटर मसाला और एक मशरूम की सब्जी भी ऑर्डर की थी जो देखने में बहुत ही अच्छे थे। ये खाने में भी टेस्टी ही था एक्चुअली। ये लोग ये सारा
नहीं। सो गाइस आ गए हम लोग वापस वहां से, मंदिर से खा पी लिए हैं उसके बाद और घर आ गए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को मंदिर वहां पे, एक्चुअली बहुत ही 11 शिवलिंग तो कभी देखा नहीं था हम लोगों ने एक साथ, और प्लस अरहुल का फूल से कहीं देखा ही नहीं था आज तक जो कोई से भी शिवलिंग को सजाया गया हो। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, बाय बाय।